ये ऑर्डर आ रखा है यार, ये देखकर आता हूँ एक जगह। अरे कहाँ जाएगा इतनी गर्मी में, ऑर्डर कैंसिल कर देना। सोचा था कि थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा, धूप कम हो जाएगी तो जाऊँगा डिलीवरी करने, फिर मौसम सही होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यार गाँव में पैसे भेजने हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। सही है, चल कोई नहीं, तू जा। ऐसा कर कि पानी पी कर जा। पानी वानी ऑलरेडी लेट हो गया हूँ इसमें ना, और लेट हो जाऊँगा। तू बैठ, तू पी आराम से, मिलते हैं शाम को, ठीक है, बाय। अरे तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया। खाना आज मैंने ऑर्डर कर दिया। अरे यार रिचा, आज तो संडे है, कम से कम आज तो बना लेती। यार इतनी गर्मी में ना मुझसे काम नहीं होता है। अरे यार तुम खाना बना के कम से कम एसी में तो बैठ सकती हो ना। उन बेचारे डिलीवरी बॉयज को देखो यार, बेचारे पूरा दिन काम करते रहते और तुमने धूप में इन्हें यहाँ पे बुला लिया, उनका क्या होगा, उनका सोचा है? इसमें सोचना क्या है, ये काम है उनका। और वैसे भी अगर हम ऑर्डर नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे वो। अच्छा ठीक है, तुम इतना सोचो मत, वो आएगा तो मैं उसे टिप दे दूंगी, इससे उसका कुछ भला हो जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, बेचारे पूरा दिन धूप में इतना काम करते रहते हैं, एक टिप तो डिजर्व करते ही है ना। लेकिन देख तो लूँ, इतनी पहले ऑर्डर किया था अभी तक आया नहीं। अरे आ जाएगा, शांति रखो थोड़ा। इतना कहाँ रह गया है यार, ये टाइम लगा दिया इसने। मैम ऑर्डर आपका। इतना टाइम लगता है एक ऑर्डर लाने में, पूरा का पूरा खाना ठंडा कर दिया होगा। सॉरी मैम, वो बाहर धूप बहुत है ना, तो साइकिल से आ रहा था मैं, टाइम लग गया थोड़ा सा, सॉरी। उससे मुझे क्या मतलब है, तुम साइकिल से आओ या हेलीकॉप्टर से, मुझे तो अपना ऑर्डर टाइम पे चाहिए ना। और अगर इतनी गर्मी लगती तो काम क्यों नहीं छोड़ देते। I'm really sorry, मैम। मैंने तो पहले ये सोचा था कि तुम्हें कुछ टिप दे दूंगी, लेकिन जो तुम्हारी हरकत है ना, तुम्हारे अगेंस्ट तो मुझे कंप्लेंट फाइल करनी होगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, पेमेंट ऑनलाइन कर दी है मैंने। एक ग्लास पानी मिल सकता है मैम? वाह, एक काम करो तुम अंदर ही आ जाओ, पानी क्या खाना भी खा के जाना। एक तो इतना लेट आयो, ऊपर से इनको पानी भी चाहिए, चुपचाप निकलो यहाँ से। मैम थोड़े चक्कर आ रहे हैं, पानी मिल जाता तो। शुभम, शुभम प्लीज जल्दी बाहर आओ। और कुछ चाहिए भैया? नहीं नहीं बहुत है, चलता हूँ मैं, शुक्रिया। अरे जा करें, बाहर इतनी गर्मी हो रखी है, आपकी तबीयत भी खराब है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए फिर चले जाइएगा। पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को यहाँ पे, चलता हूँ एक जगह और जाना डिलीवरी देने के लिए, वहाँ भी लेट हो गया तो फिर खामखा में सुनना पड़ेगा मेरे को। बाकी आप दोनों का पानी पिलाने के लिए और अभी बाहर मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भैया, आप एक ये बॉटल आप अपने साथ रख लीजिए, आपका बैग जो है वहाँ टेबल पे रखा हुआ है। जी धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और पानी पीते रहिए। क्या बिहेवियर था ये शुभम? मैं तो बस उसे, तुमने अभी उसे टिप देने की बात करी थी, और टिप देना तो दूर, तुमने उससे पानी तक भी नहीं पूछा। यार वो लोग ना हमारे लिए इतनी गर्मी में आते हैं हमारा खाना डिलीवर करने, और अगर हम किसी की सिचुएशन नहीं समझ सकते ना, तो कोई हक नहीं बनता हमारा किसी को इंसल्ट करने का। I'm really sorry यार, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया था, वो ऑर्डर लेट लाया तो। चल पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है यार, तुम किसी को पानी के लिए कैसे मना कर सकती हो? I know शुभम, सब गलती हो गई ना, please माफ कर दो। आज से तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे दरवाजे पे आएगा तो तुम उससे पानी पूछोगी, क्योंकि हर किसी की लाइफ ना हमारी तरह इजी नहीं है। यार कम से कम अपने अंदर की इंसानियत तो मत गवाओ प्लीज यार। I'm sorry and I promise कि next time से मैं पक्का ध्यान रखूंगी, प्लीज माफ कर दो। चलो खाना लगा दो, अब मुझे बहुत भूख लग रही है।